हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास बैंगन आलू की सरसों वाली की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से बैंगन आलू की सब्जी बनाएं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के बैंगन को ले लिए हैं और 2 आलू लिए हैं और 1 टमाटो। इसको मैं कट करूंगी। इस डंठल को पहले हटा दीजिए, बीच से इसे 2 भाग में कट कीजिए, फिर इसे ऐसे बीच से काट लीजिए और इसको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लीजिए। इसी टाइप के आलू भी आप कट कर लीजिए। ऐसे ही आप कट कर लीजिए। देखिए, मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट कर लिए हैं और इधर टमाटर को कट लिए और बैंगन ऐसे पीसेस में कट कर लिए। मैं आपको सरसों वाली रेसिपी बताऊंगी। इसमें मैं बिना लहसुन के ग्रेवी तैयार करूंगी, क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। आई होप आप सब भी बिना प्याज लहसुन के अगर नहीं खाते हो नवरात्रि में, तो आप इस सब्जी को, ग्रेवी वाली सरसों की सब्जी को, मेरे स्टाइल से बना सकते हैं। अब मैं मिक्सी जार लूंगी और उसमें अपना मसाला रेडी करूंगी। देखिए, मैं यहाँ पे मसाले निकाल ली हूँ। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब राई लिया है। आप ब्लैक वाले भी राई अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पीली सरसों ली हूँ। यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया ली हूँ। यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब जीरा और गोल मिर्च खड़े ली हूँ। यहाँ पे 4-5 साबुत सूखी मिर्च ली हूँ। ये हमारी साबुत सूखी मिर्च तीखी नहीं होती है, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे सबको मैं पेस्ट तैयार करूँगी। अगर आपको फिर भी और तीखा चाहिए तो आप इसमें मर्चा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने लहसुन ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में डालूंगी और सबको पेस्ट तैयार करूंगी। देखिए, हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। आप भी ऐसे ही पेस्ट रेडी कर ले। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, फिर मैं इन सबको, बैंगन आलू को, फ्राई करूंगी तेल में। आइए मैं इसमें तेल ऐड करूं। 2-3 टेबल स्पून के करीब में तेल ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे अभी फ्राई करनी है। तेल पहले अच्छे से गर्म हो जाए, फिर मैं फ्राई करूंगी। तेल हमारी गर्म हो गई है। मैं इसे पहले बैंगन को फ्राई करूंगी। बैगन को सावधानी पूर्वक डालें। इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैं बीच बीच पर इसे चलाती रहूंगी। देखिए, हमारे बैगन अच्छे गोल्डन ब्राउन तक हो जाए, फिर मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए, हमारी बैगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं। अभी प्याज तेल सेपरेट करके इसे निकाल लिया। अभी हमारे तेल देखिए बची हुई है। इसी बचे तेल में मैं अभी आलू को फ्राई करूंगी।
अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई ही रहने देंगे, हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच बड़ा चलाते रहें। देखिए हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गए हैं। मैं गैस को स्लो कर दूंगी और आलू को भी निकाल दूंगी। अब मैं इसमें एक से डेढ़ स्पून के करीब मैं इसमें तेल और ऐड करूंगी। तेल हमारी गर्म है, मैं इसमें जीरे मेथी की फोरन डालूंगी। दो हरी मिर्च डालूंगी। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें जो मैंने मसाले रेडी किए थे मैं उसे सावधानीपूर्वक आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारे मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। इस मसाले इस मिक्सी जार में लगे हैं, इसमें थोड़े से पानी ऐड करके इन्हें भी अच्छे से घोलकर मैं इसमें देखिए ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा ताकि हमारे मसाले जले नहीं और इसे बीच बीच पर आप चलाते रहिएगा। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट अच्छे तरह मसाले जब तक भुनेंगे, तेल जब तक सेपरेट ना हो मसाले से। आइए मैं ढक्कन हटाकर देखती हूँ। देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से भून गए हैं। मैं मसाले में ही पीसते वक्त हल्दी और नमक ऐड कर दिया था और बाकी सब तो मैंने खड़े मसाले ही पीस लिए हैं। लास्ट में मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। बाकी मैं इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मिक्सी जार में ही सब मसाले को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अभी 5 मिनट ही हुए हैं, अभी मैं इनको 10 मिनट और अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर भूनूंगी। मैं इसे ढक्कन को कवर कर देती हूँ। आइए मैं 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारे मसाले से तेल कैसे सेपरेट हो गए हैं। अगर आपको लगे कि मसाले आपके जल रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो थोड़े से आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं वही मिक्सी जार का ही पानी इसमें थोड़े से डाल दूंगी। देख सकते हैं हमारे मसाले का टेक्सचर।
गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ी सी पानी और ऐड कर देंगे। फिर इसे ढककर 5 मिनट और फ्राई होने देंगे। आइए मैं ढक्कन हटा कर देखती हूँ, 15 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारे मसाले से ऑयल कितने अच्छे सेपरेट हो गए हैं। यहाँ हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें आलू और बैंगन दोनों को ऐड करूँगी। इसे मिक्स करूंगी। फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसको 5 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ भून लूंगी। फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मसाले जैसा सब्जी भून गए हैं। अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। मैं 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। आप चाहे तो और पानी ऐड कर सकते हैं। आप जितना ग्रेवी पतला खाना चाहते हैं या थोड़ा सा गहरा ग्रेवी पसंद करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसमें कैच का कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। ये हमारे सब्जी को और अच्छे कलर देंगे। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के करीब और इसे कुक करूंगी। फ्लेम को मीडियम हाई रहने दें। बीच बीच पर आप इसे आकर चेक करें और चलाते रहें। आइए 10 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में खुद ही मुझे मैसेज कीजिए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी पूरी तरह कुक हो गई है। आप चाहें तो और पानी ऐड कर सकते हैं, चाहे और आप इस ग्रेवी को गाढ़ी कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं कस्तूरी मेथी के साथ एंड करूंगी। देखिए मैंने क्रश की हुई कस्तूरी मेथी ऐड कर दूंगी और गैस को ऑफ कर दूंगी और ढक दूंगी। अगर आपको हमारी सब्जी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मुझे ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूले। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू लेटर।